हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गालियान मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आए हैं वो सुमित्मो की सुमी प्रिंटम से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से ये काम करती है, क्या इसके अंदर टेक्निकल है, कौन कौन सी फसल के अंदर आप इसको प्रयोग में ले सकते हो, क्या इसकी एक एकड़ की मात्रा है और क्या इसका MRP है, यानी क्या इसकी एक एकड़ की कॉस्ट पड़ती है। इन सभी से जुड़ी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलेगा। साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो बात करते हैं सुमी प्रिंटम की। देखिए, जो सुमी प्रिंटम है जो सुमित्मो कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, इसके अंदर दो टेक्निकल के कम्बिनेशन से मिलकर ये तैयार की जाती है। जो कम्बिनेशन जो दो टेक्निकल है उनमें से पायरीप्रोफेक्सिफोन होता है जिसकी मात्रा 5% होती है, और दूसरा जो टेक्निकल दिया गया है वो पैना प्रोपेंथ्रिन दिया गया है जो कि 15% इसी फॉर्म के अंदर दिया गया है। दोनों ही इंसेक्ट काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा और लंबा रिजल्ट हमें देते हैं। देखिए, ये जो किट होते हैं उनके अंडों को बनने से रोकता है और साथ में उनको नर्वस सिस्टम पर अटैक करके उनको ख़त्म कर देता है। बात करते हैं ये इसके आप कौन कौन से किटों के लिए प्रयोग में ले सकते हो। देखिए, आप इसे वाइट फ्लाई के लिए प्रयोग में ले सकते हो, यानी जो सफ़ेद मक्खी होती है उसके लिए प्रयोग में ले सकते हो। एपिडोज एसिड के लिए कंट्रोल करती है, थ्रिप्स को कंट्रोल करती है, लीफ ऊपर को कंट्रोल करती है, तो बोरो को कंट्रोल करती है, बोल वर्म को कंट्रोल करती है, स्टीम बोरो को कंट्रोल करती है, सूट बोरो को कंट्रोल करती है। और बात करते हैं इसे कौन कौन सी फसल के अंदर आप प्रयोग में ले सकते हो। देखिए, आप इसे धान के अंदर भी यूज कर सकते हो, मिर्च के अंदर भी यूज कर सकते हो, गन्ने के अंदर भी यूज कर सकते हो, भिंडी के अंदर भी यूज कर सकते हो, कपास के अंदर भी यूज कर सकते हो, बैंगन के अंदर भी यूज कर सकते हो, सब्जी वर्गीय जो फसलें होती हैं उनके अंदर भी इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। यानी मुख्य रूप से सभी फसलों के अंदर इसको प्रयोग में लिया जा सकता है, जैसे कि बागवानी के क्षेत्र में भी इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। बात करते हैं इसकी एक एकड़ की डोज की। देखिए, जो मोस्टली जो इसकी डोज होती है, जैसे कि गन्ने के अंदर टॉप बोर की समस्या आती है, उसके अंदर इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके अंदर आप 400 लेकर 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसकी डोज रख सकते हो। इसी प्रकार जो अन्य फसल होती है जैसे कि बैंगन और मिर्च वगैरह की फसलों में, उसके अंदर भी आप 400 से लेकर 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो डोज है वो इसकी 400 से लेकर 500 ml पर एकड़ के हिसाब से यूज की जा सकती है। बात करते हैं इसकी जो पानी के हिसाब से, जो 1 लीटर पानी में इसको 1.5 से लेकर 2 ml पर लीटर के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। यानी अगर आपकी 15 लीटर की टैंक है तो उसके अंदर आपको लगभग 25 ml पर टंकी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, 25 से 30 ml पर टंकी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। बात करते हैं इसके रिजल्ट की। तो इसका रिजल्ट है वो आपको 15 से लेकर 18 दिन लंबा का इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, और आप इसे किसी भी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ में मिलाकर प्रयोग में ले सकते हो, उससे आपकी फसल को कोई हानि नहीं होती। और साथ में इसके साथ में ग्रोथ प्रमोटर भी आप इसके साथ में प्रयोग में ले सकते हो, उससे भी आपकी फसल को कोई हानि नहीं होती है। और जो उसकी एक एकड़ की डोज है वो लगभग आपको 800 से लेकर 900 रुपये के बीच में आपको पड़ जाती है, यानी जो आधा लीटर का पैक है वो आपको 800 से लेकर 900 रुपये का पड़ता है। और अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में तुमसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल सके।